नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आई होप कि आप फिट एंड फाइन होंगे इस कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और यूके के अंदर क्या डिफरेंस है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन और यूके किनको कहते हैं। उससे पहले हम वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। तो आप लोगों को ये यूरोप दिख रहा है जहाँ पर हमें डिस्कशन करना है इस एरिया में। ये हमारा प्यारा भारत, ये रसिया है, ये चाइना है, ये मिडल ईस्ट कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, सब कंट्री इधर है, साउथ अफ्रीका है। तो हमें खाली इस यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए यूरोप कंट्री में का कंट्री का यूरोप कंट्री के एक पार्ट का मैप है, इसको कह सकते हैं ये, जिसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और एंथ्रोपोलिस जो कि है रिपब्लिक आयरलैंड, राइट। अब इनके बारे में पूरे नेक्स्ट मैप में डिस्कस करते हैं किसको ब्रिटेन और किसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो देखिए ये मैप आप देख लेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड की राजधानी जो है, कैपिटल है एडिनबर्ग है, और वेल्स की जो कैपिटल है वो कार्डिफ है, और इंग्लैंड की कैपिटल आप सभी को पता है उसका मैनचेस्टर लंदन है, राइट। और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, रिपब्लिक आयरलैंड जो कि पार्ट रही है, ना कि यूके का, ना कि ब्रिटेन का, ना कि ग्रेट ब्रिटेन का। तो चलिए हमने कैपिटल देख लिया इनके और इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ब्रिटेन किसको कहते हैं, तो ये जो इंग्लैंड और वेल्स ये दो कंट्री मिलती है तो इसको कहते हैं ब्रिटेन। क्या? इंग्लैंड प्लस वेल्स को मिलाने के बाद कहते हैं ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीन कंट्री मिल जाती है, देखिए ये जो बना हुआ है सर आप कह सकते हैं सर्कल सा, ये ग्रेट ब्रिटेन है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीन कंट्री मिलती है तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है, राइट। तो हमने ब्रिटेन देख लिया, ग्रेट ब्रिटेन देख लिया, तो अब यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की बात करते हैं। तो देखिए यूके, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, मैंने पहले आपको बताया कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है अनदर पार्ट है, जो सर्दर्न पार्ट है उसका, वो किसी का यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला देने पे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनता है। और अगर ओवरऑल इनकी अगर हम कैपिटल देखें, यूके का कैपिटल, तो आपने देखा होगा यूके की कैपिटल लंदन है, राइट। तो आगे मैंने ये लिखा हुआ है तो आप इसे अब एक बार ध्यान से देख लीजिए कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड प्लस वेल्स मिला देने पे ब्रिटेन बनता है, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिला देने पर बनता है, यूके इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला देने पर यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, 2 से 3 मिनट की वीडियो है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी समझ पाएँ इस चीज़ को। आइए आपका दिन शुभ हो, और एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। और ये कोरोना वायरस पैंडमिक जब तक चल रहा है, आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, फैमिली के साथ रहिए, और साथ ही साथ आप जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करें, और दूसरों को भी समझाएं कि घर से ज़्यादा बाहर जो है बाहर ना निकले। चलिए धन्यवाद।